साथियों, स्कूल के वो दिन हमें हमेशा याद रहेंगे, हम कभी वो दिन भूल नहीं सकते। उसी के ऊपर मैं साथियों आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज फिर से स्कूल जाने का मन करता है, जिस तरीके से आप लोगों को मैं एक साथ देख पा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मोहित सिंह है और आज इमली बगान के कार्यक्रम में हम सभी जुड़े हुए हैं। ये पावन प्रांगण इस तरीके के कार्यक्रम में जुड़ा है जहाँ पे हम एलुमनाई मीट मना रहे हैं। एलुमनाई मीट एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर शिक्षा निकेतन महाविद्यालय के जितने भी पास आउट सीनियर हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ पाए और एक गेट टुगेदर हो रहा है, क्योंकि वार्षिक तौर पे हम जिस तरीके से अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन कार्यकाल में कार्यरत रहते हैं, हमें ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता कि हम अपने बीते हुए दिनों में जा पाए। तो 1989 बैच के जो पास आउट सीनियर हैं शिक्षा निकेतन विद्यालय के, उन लोगों के एक संगठन ने मिलकर इस कार्यक्रम को बनाया और आज का ये कार्यक्रम इसी के चलते अपने मुकदमे तक पहुंच पाया है। इस कार्यक्रम में बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियत जुड़ पाई, कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो कि टेलको के रहने वाले हैं और बहुत ही नामचीन व्यक्ति जो लोग यहाँ पर जुड़ पाए, काफ़ी बड़े लोग यहाँ पर हैं और हम उसमें से एक पात्र बन पाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने भी हमारे पास आउट सीनियर हैं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे शिक्षा निकेतन विद्यालय के बारे में कि किस तरीके से वर्तमान तौर पर स्थिति में स्कूल आगे बढ़ रहा है और उस वक्त स्कूल किस तरीके से हुआ करता था, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया। और हमारे साथ बलबीर सिंह सर थे, हमारे साथ शशि शेखर सर हैं जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम करना चाहिए आने वाले समय में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा, लोग जब देखेंगे इस खबर को तो वो भी हमारे बैच में जो पास आउट है उन सभी तक पहुँचाएंगे इस वीडियो को और हमारे तक जुड़ पाएंगे। शेखर भाई, किस तरह की यादें रही शिक्षा निकेतन से? यादें बहुत ही मीठी यादें हैं और हम सभी मित्र अभी पिछले 1976 से जो भी स्कूल से पास आउट हुए थे 2023 तक के लोगों को मैसेज भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से और भी सूचना प्रसार माध्यम से। बहुत सारे लोग जो जमशेदपुर में हैं वो उपस्थित हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समय के अभाव में नहीं आ पाए हैं। अपने तरफ से उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद और बधाई दिया है इस प्रोग्राम को आगे बेहतर तरीके से संचालन करने का। कार्यक्रम की शुरुआत कैसी हुई, प्रेरणा कैसे? कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो उनमें संख्या की कुछ कमी थी, क्योंकि उस समय उन लोगों के दिमाग पे नहीं था जहन कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए, सभी लोगों को कैसे सूचना दिया जाए। कुछ लोग देश में हैं, कुछ विदेश में हैं, बहुत सारे दोस्त जो स्कूल से पास आउट होकर के अलग अलग जगह पर अपने इस बार हम लोगों ने इसको क्या किया कि सबको एक नेटवर्क बनाया और सबको एडमिन के रूप में सबको बोला जितने भी पास आउट बैच हैं पिछले वो सब अपने अपने बैच के लोगों को जोड़ना शुरू करें और ये संदेश दें कि 21 जनवरी 2024 को हम लोग शिक्षण के तहत स्कूल के सभी पास आउट जितने स्टूडेंट्स हैं सब एक जगह जमा हों। इनकी व्यवस्था हम लोग ने स्कूल के प्रांगण में करने का तैयार था और बहुत बृहद पैमाने पर करना था, मगर उसमें इत्तेफाक से आज सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है जिसकी वजह से स्कूल का कैंपस हम लोग को अवेलेबल नहीं हो पाया। तो आज हम लोग का चूँकि डेट डिसाइडेड हो चुका था, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स जो कि बाहर से आ चुके थे टिकट बन चुकी थी, तो इसलिए हमने उनको यहाँ पर ही शिफ्ट कर लिया। और चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम इतना बेहतर तरीके से हो कि अगले साल जो भी लोग आज दिख रहे हैं ये सैकड़ों में नहीं हज़ारों की संख्या में होंगे। और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों का सहयोग और यहाँ पर सबका दिख रहा है पार्टिसिपेशन, वो बेहतर आगे हम लोगों को एक यादगार पल को और बेहतरी करेगा।